ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री यंत्र दिखाऊंगा, श्री यंत्र की जानकारी दूंगा तो पूरी। पहले मैं आपको श्री यंत्र दिखा दूंगा, ये देखिए दोस्तों यह श्री यंत्र पीतल का है विद फ्रेम। श्री यंत्र जैसे कि आपको पता है बहुत सारे आते हैं, पीतल के आते हैं, अष्ट धातु के आते हैं, तांबे के आते हैं, स्फटिक के आते हैं, पारे के आते हैं। मैंने सब पे वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस यंत्र के बारे में बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों यह श्री यंत्र, इसको आप घर पर स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, आज से शुरू हुई है, तो पूजा पाठ में सर्वोत्तम माना जाता है, साक्षात माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। इसमें बहुत सारे यंत्र वगैरह आते हैं, जैसे ये खाली ये श्री यंत्र है, इसमें संपूर्ण श्री यंत्र बहुत सारे आते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इसको आप घर में रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, घर, फैक्ट्री, दुकान, जहाँ पर भी रखना चाहें, ऑफिस में, घर में, मंदिर में आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, और ये खासकर दीवार पर भी टांग सकते हैं इसको। ये देखिए ये पीछे स्टैंड लगा हुआ, अगर आप वैसे रखना चाहें तो आपको ऐसे करके आप ऐसे रख सकते हैं खोल के। अगर आप दीवार पर टांगना चाहें तो ये ऑप्शन है दीवार का, कील का, आप उसमें भी टांग सकते हैं। और वैसे ही रखना चाहें तो आप ऐसे ऐसे रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपका मन करे। तो ये करवा दिया। ये देखिए, तो आज आपको श्री यंत्र दिखाया, ये देख लीजिए विद फ्रेम है, ये बिना फ्रेम के भी आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको उसको बता दूं। आप घर में स्थापित करिए, जैसे आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने जो पूजा से संबंधित जो वीडियो बना रखी है, जैसे कोड़ी हो गई, गोमती चक्र हो गए, श्री यंत्र हो गया, कमलगट्टी में ये जो श्री यंत्र हो गया, आप इनकी साल में कभी पूजा करते हैं, डेली करते होंगे, हम भी डेली करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा सिद्धियां वगैरह आती हैं, जो सबसे ज्यादा इनमें ताकत होती है, वो दिवाली के टाइम पे आती है। जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा था। दिवाली के टाइम पे आप जो भी, जैसे आप इस पर पूजा पाठ कर रहे हैं इनका, जैसे आपको 10% फल मिल रहा है, तो दिवाली के टाइम पे आपको पूरा 90% या 100% मिलेगा। आप पूरा उस टाइम आप उसको ज्यादा फल मिलेगा, उस टाइम आप ज्यादा सीधे आते हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे आपको पता है पूजा ज्यादा होती है। तो उस टाइम, तो उस दिन आप खास कर इसकी ज्यादा पूजा करिएगा। अगर आपको नीचे रखना है, जैसे मंदिर के नीचे, तो लाल कपड़ा बिछा के रख सकते हैं, और इसको जैसे मैंने दिखाया टांग वगैरह सकते हैं। और इसको अगर आप मंत्र करना है, देखिए आप इसको, इसका मंत्र है श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरे श्री महालक्ष्मी नमः। मैं फिर बता देता हूँ, श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरे श्री महालक्ष्मी नमः। इसको आपको 7, 11, 21 बार ध्यान से सुनिएगा, 7, 11, 21 बार, मतलब आप जैसे भी करना चाहें 7 बार मंत्र जाप कर सकते हैं, 21 बार 11 बार जो भी है आप कर सकते हैं। डेली आपको करना है तो आपकी जो भी समस्या है लक्ष्मी वगैरह की, सब दूर हो जाएंगी। मंत्र मैंने आपको बता दिया, मंत्र इसमें लिखा भी पड़ा है। तो जैसे मैंने आपको बताया 7, 11 या 21 बार कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे इसका फायदा नहीं हुआ, हमें लाभ नहीं हुआ। देखिए लाभ क्या होता है, ये सब भगवान के ऊपर, आप अपनी तरफ से पूजा पाठ करिए। किसी को जल्दी पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, किसी को देर में मिलता है, पर मिलता जरूर है। उसका दूसरा कारण ये होता है, जैसे आपने ये स्थापित कर लिया घर पे, आप सोच रहे हो आप जिस काम से लिए वो नहीं हो, उसका ये कारण ये होता है वो सही टाइम या सही मुहूर्त पे नहीं स्थापित हुआ हो। फिर उसका यही उपाय होता है, जैसे समझो आपका काम नहीं बन रहा हो, 10-15 दिन 1-2 महीने हो गए हो, तो इसको दोबारा मंदिर से हटाइए, दोबारा इसके शुद्धि करिए, पूजा पाठ सिद्ध करिए, गंगा जल से धो के, तिलक लगा के, फिर दोबारा इसको दोबारा स्थापित करिए। क्या पता कुछ वो टाइम होता है, कई बार वो सही टाइम नहीं हो पाता, उस वजह से होता है, प्रॉब्लम आती है। फिर दोबारा, जैसे मैंने बताया, अगर नहीं काम बन रहा हो, दोबारा इसको हटा के मंदिर से पूजा पाठ गंगा जल से धो के दोबारा करिएगा, फिर आपको ये फिर दोबारा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया श्री यंत्र के बारे में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी, घर में स्थापित कर सकते हैं। इसमें साइज छोटा बड़ा सब आता है, मैं आपको दिखा दूं, इस टाइप का आता है। ये देखिए, ये संपूर्ण महालक्ष्मी है, धीरे धीरे आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी, ये साइज का आता है, ये आता है, इससे बड़ा भी आता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी। अगर और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं श्री यंत्र के बारे में या किसी के बारे में। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।